अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग हब विद आयत। आज की इस वीडियो में मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैंगो सैलड और कबाब स्टिक्स की रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिए हैं टमाटोज़, इनको बहुत बारीक थिन कट कर लिया है। यहाँ पे साथ ही ले लिए हैं हमने लेमन्स, कम्बर, कैप्सिकम, मैंगो, अनियन एंड ग्रीन चिलीज़। ये सब वेजिटेबल्स जो हैं हम इस रेसिपी के लिए यूज़ करेंगे और इन सब वेजिटेबल्स को बहुत बारीक, बहुत ज़्यादा बारीक कट करना है। कटिंग बोर्ड पर कट कर लें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। आप इसके अंदर बेल पेपर्स भी ऐड कर सकते हैं और इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। लाइक आप इसमें कैरेट ऐड कर सकते हैं, कॉर्न्स ऐड कर सकते हैं, ऑलिव्स ऐड कर सकते हैं। ये सब आपकी पर्सनल चॉइस के अकॉर्डिंग है। मुझे जो वेजिटेबल्स पसंद थी और जो मेरे पास अवेलेबल थी, मैंने वही वेजिटेबल्स यूज़ किए हैं। अब इसके अंदर ये सब ऐड करने के बाद हाफ लेमन स्क्वीज़ करेंगे। लेमन की क्वांटिटी ऑब्वियसली आपकी वेजिटेबल्स के अकॉर्डिंग ही रहेगी, बल्कि सबकी चीज़ों की क्वांटिटी आपके अकॉर्डिंग ही रहेगी। अब इसमें हाफ़ टी स्पून हम ऐड करेंगे सोया सॉस, हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे चिली सॉस और हाफ़ टी स्पून ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे शुगर और साथ इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट और ब्लैक पेपर। ये दोनों की क्वांटिटी भी बहुत थोड़ी थोड़ी माइनर सी ही ऐड करनी है, ज़्यादा ऐड नहीं करनी। इस सबको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको रेफ्रिजरेट करेंगे फॉर एटलीस्ट हाफ आवर सर्विंग से पहले। ये रेसिपी जो है ये हम किसी 5-स्टार रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे हमें प्रॉन्स के साथ, फ्राइड फिश के साथ, फ्राइड चिकन के साथ सर्व की जाती है और ये बहुत यमी लगती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मतलब वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिक्स हो गए हैं या कच्ची वेजिटेबल्स हैं तो ये कुछ और सा लगेगा। ये कॉम्बिनेशन बहुत यमी लगता है, तो आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। इसमें स्पाइसी भी है, इसमें सावर भी है, इसमें सॉल्टी भी है, इसमें मतलब सब तरह के फ्लेवर्स हैं, ये बहुत यमी लगता है। तो मैं इसको सर्व करूँगी कबाब के साथ, तो इसके लिए मैं कबाब रेडी कर रही हूँ। उसके लिए मैंने अनियन, गार्लिक और जिंजर, ग्रीन चिली और लेमन ले लिया और चिकन ले लिया है। अब इसके लिए यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, गरम मसाला, कसूरी मेथी, ज़ीरा, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, सोया सॉस और चिली सॉस लिया है। ये सब इंग्रेडिएंट जो हैं हम अपने चिकन में ऐड करेंगे। आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली चिकन के कीमे में भी ये सब ऐड कर सकते हैं। मेरे पास चिकन का कीमा अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं बोनलेस चिकन में ये सब ऐड कर रही हूँ और इसका कीमा खुद से प्रिपेयर करूँगी। अगर आपके पास कीमा है तो आप लोग सिर्फ डायरेक्ट जो अनियंस और उस सब के पेस्ट बनाएंगे और ये सब मसाले जो है उसमें ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये स्टेप ज़रूरी है कि आपने जो मसाले हैं सारे वो आपने जो आप पेस्ट बनाएंगे लहसुन अदरक का उसके अंदर साथ ऐड करेंगे ताकि वो अच्छे से कंबाइन हो जाए। तो यहाँ पे मैं जो चिकन है उसके अंदर ऑब्वियसली मैं सारे मसाले ऐड कर रही हूँ, तो ये ग्राइंडर में और मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगे और सारे फ्लेवर जो हैं वो अच्छे से मिक्सअप होकर एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर जो है वो कबाब में जो है वो प्रोवाइड करेंगे। इस सब के अंदर ये सब जो इंग्रेडिएंट्स मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ वो सब ऐड करेंगे और अब हम इसका रेडी करेंगे कीमा। मैं इसको मिक्सी में मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद इस टाइप का कुछ कीमा जो है वो हमारे पास रेडी हो जाएगा। अब हम इसके कबाब रेडी करेंगे। कबाब की शेप बहुत छोटी रखनी है हम लोगों को, लाइक 2 बाइट कबाब जो है वो हम इसके लिए रेडी करेंगे और इसकी जो शेप है वो हम लोग रेक्टेंगल रखेंगे। हम लोगों को ओवल टाइप शेप नहीं देनी, इसकी रेक्टेंगुलर टाइप शेप देनी है, तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे जब हम सर्व करेंगे। अब यहाँ पे जनाब मैंने सारे कबाब जो हैं वो रेडी कर लिए हैं इस शेप में और ज़्यादा पतले भी नहीं रखे, ज़्यादा मोटे भी नहीं रखे हैं और छोटे छोटे से साइज़ रखा है मैंने। तो अब यहाँ पे हम इनको इस तरीके से फ्राई करेंगे डीप ऑयल में। आप लोग चाहें तो इसको ऑब्वियसली एयर फ्राई भी कर सकते हैं और जैसे भी आप लोगों को चाहें आप वैसे इसको फ्राई कर सकते हैं। और जनाब यहाँ पर हमारे जो कबाब और मैंगो सैलड है बनकर बिल्कुल रेडी है। आई होप सो वीडियो पसंद आएगी। बाय।